भारत विचारकों, मनीषियों, संतों और साधकों की समृद्ध परंपरा से सिंचित भूमि, अनगिनत पुण्यात्माओं के तत्वदर्शी चिंतन और विराट विचारों की निरंतरता ने दी है हमें एक गौरवशाली विरासत। आज जब देश आजादी के इस अमृत काल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, तो हमारी समृद्ध विरासत हमें लगातार प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है। हमारी इस विशिष्ट विरासत के एक सशक्त आधार स्तंभ हैं वेदों के प्रकांड ज्ञाता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अविस्मरणीय योगदान देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी। सन 1824 में जन्मे दयानंद जी का युगावतरण उस दौर में हुआ जब देश सैकड़ों वर्षों की सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों और औपनिवेशिक बंधनों से घिरा था। इस कारण समाज में कई कुरीतियों और कुप्रथाओं का प्रभाव भी बहुत अधिक हो गया था। ऐसे समय में अनेक संतों, समाज सुधारकों और संगठनों ने अभूतपूर्व कार्य किया, जिनमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम अग्रगण्य है। महर्षि जी ने न सिर्फ समाज में व्याप्त बुराइयों पर तार्किक प्रहार किया, बल्कि जन जागृति की अलख जगाकर बुराइयों के समूल उन्मूलन के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत काल में बताए गए पंच प्राण में महर्षि दयानंद जी के विचार भली भांति झलकते हैं। विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिक कर्तव्य के पंच प्राण एक प्रकार से दयानंद जी के महान विचारों को रेखांकित करते हैं। गुजरात की धरती पर जन्मे महर्षि दयानंद जी ने समाज कल्याण के लिए 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भ्रमण किया। तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए उन्होंने देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और भूगोल का गहन अध्ययन किया। महर्षि दयानंद जी ने देश में राष्ट्रीयता के भाव को लगातार जागृत किया। उन्होंने भारत की मूल संस्कृति के केंद्र गुरुकुल और गौशालाओं के निर्माण के साथ ही वेद पठन पाठन को बढ़ावा दिया। भारतीय परंपराओं के अनुकूल शिक्षा पद्धति वाले DAV कॉलेजों की स्थापना उन्हीं की स्मृति में की गई। विदेशी आक्रमणों के कारण समाज में आई कुरीतियों पर उन्होंने जम कर प्रहार किया, समुद्र पार जाने का मिथक तोड़ा और विधवाओं को सम्मान दिलाया। अपने विचारों को आगे प्रचारित करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो आज एक बड़ा आंदोलन है और एक विराट वटवृक्ष की तरह हम सभी को अपनी छाया प्रदान कर रहा है। उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की ज्ञान मंजूषा हमारी चिरंतन संस्कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में फैला रही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद जी का 200वां जयंती वर्ष हम सभी के लिए उनके विराट विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने और उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर योगदान देने का सुअवसर है।